अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप जो है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम लोगों ने जो है एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना होगा, ठीक है, जिसको हम सेव करना चाहते हैं। सपोज़ ये मेरे पास ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, लेकिन मैं जो है कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहती हूँ। मैं यहाँ से फ़ाइल के ऊपर जाऊँगी, न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूँगी और यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आप अपनी असाइनमेंट बना रहे हैं और आप असाइनमेंट नंबर वन है, आपकी असाइनमेंट वन है 6401, ठीक है। सपोज़ आगे आपने सारा कंटेंट वगैरह अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए हुए, आप इस फाइल को जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पहले तो आप ये करेंगे कि फ़ाइल को पहले सेव करेंगे। आप पहले जो है इसका वर्ड डॉक्यूमेंट ही सेव कर लें। यहाँ पे मैं 6401 इसी तरह से डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रही हूँ, तो आप जो है वो सेव का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। अब जो है एक दफ़ा वर्ड डॉक्यूमेंट भी सेव होना इस वजह से ज़रूरी है कि उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको एडिट करना जो है वो आसान नहीं होता। अब जो है आपने इसी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे सेव एज पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे ही आप इसे सेव करना चाहेंगे। तो यहाँ से असल काम यह है कि जब आपने पीडीएफ में कोई डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करना होता है तो आपने उसकी टाइप चेंज करनी होती है। यहाँ पे टाइप आ रही है सेव एज टाइप, तो ये पहले हमने वर्ड डॉक्यूमेंट सेव किया था। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पीडीएफ। यहाँ नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये ऑप्शंस को ओपन करेंगे, तो वहाँ पे जो पीडीएफ वाली ऑप्शन आ रही होगी उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जब आप यहाँ पे पीडीएफ लिखा हुआ आ रहा होगा, अब आप सेव करोगे तो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट पीडीएफ में कन्वर्ट होके ही सेव होगा, ठीक है, वो आपकी पीडीएफ फाइल सेव होगी। चलें जी, इसे मैं सेव करती हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरे पास जो है पीडीएफ में कन्वर्टेड फ़ाइल भी आ गई। अब मैं इसे क्रॉस करती हूँ और अपने डेस्कटॉप पे चेक करती हूँ कि जो मैंने दो फाइल सेव की हैं वो कैसी सेव हुई हैं, ठीक है जी। देखें, ये असाइनमेंट नंबर वन जो है ये वर्ड फाइल सेव हुई हुई है, इसे खोल के देख लेते हैं। ये हमारी वर्ड फाइल सेव हुई हुई है, ठीक है, और हमारी जो ये पीडीएफ वाली फ़ाइल है, देखते हैं, ये वाला हमारा पीडीएफ डॉक्यूमेंट सेव हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप अपनी वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, आसान सा कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।